आरजू आ गई हैं, बर्तन धुल लिए हैं, पोछा लगा रही हैं, किचन में पोछा लगा लें तो चले नाश्ता बनाएं। चाय पी लो आरजू, ठंडी हो जाएगी। अभी नाश्ता बनाना है, नाश्ते में जो है आलू वाली सब्जी लोग खाएंगे, वही बनेगी। कौन सी सब्जी बनाए, कोई खाता ही नहीं। कौन सब्जी बनाए, कोई खाता ही नहीं। आरजू तुम्हारी थोड़ी सी आ गई, सीधे देखेंगे तो। कैसे हैं आप लोग, ठीक ठाक मज़े में? अल्लाह का शुक्र, हम भी अच्छे हैं, ठीक ठाक हैं। ज़िंदगी खुशियों भरी चल रही है, अल्लाह का शुक्र है लाख लाख। एक एक दिन करके सारा दिन बीत जाता है, पता ही नहीं चला कब रात आई कब दिन आया। बहर वक्त बहुत तेज़ी से भाग रहा है, तो किचन में बना रहे हैं हल्की फुल्की, जैसे कहते हैं जुगाड़ू टेम्परेरी बिरयानी, तो जुगाड़ू बिरयानी बन रही है हल्की फुल्की। खड़े मसाले में खड़ा लाल हरा मिर्चा और जो है टमाटर पीस लिया है, लहसुन अदरक रखा हुआ था, थोड़ा गोश्त था, तो हल्की फुल्की बना लेते हैं दोपहर में। दाल चावल से तो बेहतर है, और चावल को भिगा दिया है, तो यही सब खाना पीना वगैरह का इंतज़ाम हो रहा है। तो आप लोग क्या कर रहे हैं, आप लोग मेरी वीडियो देख रहे हैं, चलिए कोई बात नहीं, देखिए, लाइक शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और बेल आइकन बटन दबाइए, घंटी दबाइए। दूर से जो है वीडियो बना रहे हैं, क्योंकि जो है मोबाइल हमारा चार्ज नहीं था, तो देखें हम प्लग में लगाए हुए हैं, चार्ज हो रहा है हमारा, और उसी में लगाए लगाए जो है हम वीडियो भी बना दे रहे हैं, क्योंकि बार बार निकालो फिर लगाओ तो उसमें पिन गड़बड़ हो जाती है। तो हमारी जो है बिरयानी की प्याज हम थोड़ी बहुत लाल कर रहे हैं, और गोश्त जो है हो रहा है भून गया था तो थोड़ा गला लिया है, तो बाकी सब आइटम रखा हुआ, पुलाव का मिर्चा काट दिया, ज़ीरा निकाल दिया, लहसुन अदरक निकाल दिया है, ताकि प्याज लाल करके निकाल सकें। तो आगे प्याज हमारी जो है करीब करीब गोल्डन हो चुकी है, इसको हम निकाल, तो प्याज लाल हो गई है, मसाला सब डाल देते हैं, थोड़ा सा लहसुन भी डाल दिया ताकि अच्छा हो जाए, तो चावल डाल देते हैं, तो चावल डाल लें हम, बिरयानी का हो जाए पुलाव हमारा। मसाले पसा दिया है, अभी हल खड़ा खड़ा चावल है, कनी बाकी है अभी, तो इसमें हमारा गोश्त जो तैयार हो गया है, टेम्परेरी वाली जुगाड़ी बिरयानी हमारी तैयार हो रही है, जो दाल चावल से बेहतर होगी, जो हम लोग खा कर खुश हो जाएंगे, सभी लोग खा कर खुश हो जाएंगे, क्योंकि बिरयानी लगभग करीब करीब सबको पसंद आती है, तो इसलिए आज जुगाड़ू वाली बना लिया, और फटाफट मेरी बन गई बहुत जल्दी, क्योंकि गरम मसाला खड़ा खड़ा डाल दिया, हरा मिर्चा डाल दिया है सब, और इसमें पसाने के बाद सब मसाला मिला लिया, क्योंकि जो सही सही बनती है तो बाद में परत लगाते हैं, लेकिन ऐसे हमने सब कुछ ऐसे मिला लिया है, और इसको अभी एक दम पर रखना है, थोड़ी बहुत दम पर रख देंगे तो ये हो जाएगी बढ़िया सी, और इसमें हम कलर ऊपर से इधर इसको धीमी आंच पे दम पर हम रख देते हैं चूल्हे पे, ताकि खूब अच्छे से ये देखें बट्टा रख दिया है और फुल आंच कर दिया है, एक कुछ सेकंड के लिए फुल आंच कर देंगे, उसके बाद फुल आंच कर दिया है, दो सेकंड तीन सेकंड के लिए फुल कर दिया, फिर धीमी कर देंगे ताकि इसमें भाप अच्छे तरीके से बन जाए। तो हर बार तो परत वाली बनती थी
और बहू भी बनाती थी बहुत अच्छी, पर हम जो है बच्चों को फुसलाने के लिए ये वाली और बहुत कम वक्त में बन गई हमारी बिरयानी, क्योंकि मसाले का कोई झंझट नहीं, सब खड़ा डाला था, बस इसमें जो है टमाटर और लहसुन अदरक डाला हुआ है पीसा, बस बाकी कुछ नहीं, सब खड़ा हुआ डाला है, हरा हरी मिर्च में देखा। प्रैक्टिकल वाला बन गया, खोलो, साथ में बिरयानी चढ़ाए थे, तेल लगाए ना, ख़राब हो जाएगा, वो रहने दो, अभी बता रहे हैं उसको, स्कूल में जाने के लिए प्रैक्टिकल है, पेपर है, बना कर सब आया है। हाँ अच्छा, सर्दी हो गई क्या इनको? खून निकलता होगा। अच्छा, नाक से जो खून निकलता है उसका है। हाँ, हेल्थ बेनिफिट छेट हुआ है, ये सब में इतना झंझट होता है, बनवाना होता है, सुबह से गए हैं। ये वाला कल जाएंगे अपने कॉलेज। अच्छा वही सेम है, कुछ वो है कुछ वाला है। तो हो गई निकाल दे। हाँ हो गई, देखो बहुत अच्छी हो गई है, और हरे मिर्च में बनी है, बहुत अच्छी बनी है, जैसा लोग पसंद करते हैं। तो करेरी जुगाड़ू बिरयानी हमारी तैयार। अजान हो रही थी तो आप लोगों से इशारे में कर रहे थे कि दो अजान हो रही है, तो बोल नहीं सकते, कपड़े की रिवाई पका रहे थे, और देखना वाइट वाला सब कपड़ा भी हमारा भीगा हुआ है। तो अभी नमाज़ पढ़कर आते हैं तो निकालते हैं, सारे कपड़ों को धुलते हैं, रिवाई जो पकाया है उसको लगा कर ऊपर डालते हैं, तो अभी धुलते हैं डालते हैं तो आपसे शेयर करते हैं। आधा कपड़ा था ऊपर बंद लेके डाले हैं, चलें देखें, डाल दिए हैं अलमारी में, बहुत सारा कपड़ा हो गया था, देखें ऊपर डाल दिए सारा, ऊपर आए ये देखें। आओ बाबा ना, सारा कपड़ा सब धुल गया, चलो ये वाला भी ले चलो, ये वाला भी सब उठा लो। बाबल अन्ना 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 ना बोलते बोल बाबू, बोल दे बाबू, भाई बुलावत है, बोल दे बाबू, भाई बुलावत है, बोल दे बाबू, हाँ बाबू भाई बुलावत है,
ला रहे हैं, हो गया है। चिमनी लगेगी तो समझ लो किचन में चिमनी। हाँ तो किचन में जब चिमनी लगती है तो कहाँ धुआं आएगा। हाँ तो अब इलेक्ट्रॉनिक सब चलेगा। हाँ लो चलो चलो खाओ सब लोग, नमाज पढ़ना। अभी सब कपड़ा जो छत पर से आया है सब भी रखना है, बहुत थकावट हो गई है। हो गया, सब लोगों ने खा लिया है। दूध वाले आए हैं, अदनान गए हैं दूध लेने और हम बैठ गए हैं नमाज पर। फरहान लाइट नहीं है, दूध पंखा बंद कर दो, दूध चढ़ाओ गैस पे। चलें देखें लाइट कट गई है, कहीं पंखा चल रहा, चलें बंद करा दें। सुबह से तो लाइट थी माशाल्लाह, अभी कटी है, बहरहाल आ ही जाएगी। तो चलते हैं नमाज पे बैठ जाते हैं। दूध चढ़ा दिया अदनान, चढ़ा दो, खोल जाए, फिर गैस बंद करो और किचन बंद करो। अब हम चल रहे हैं नमाज के लिए। तो वीडियो को वीडियो भी यहीं पर एंड कर देते हैं। वीडियो को लाइक शेयर करें, दुआओं में याद रखें। सबके लिए हम अल्लाह पाक से दुआएं करते हैं, अल्लाह पाक सबकी मुश्किल परेशानी दूर करें, अल्लाह पाक सबको हयात बख्शे, नमाज रोज़े की पाबंदी हो। तो दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।